अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, यूज क्रैमर्स रूल। और स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना और सीखना है। और इस एक्सरसाइज से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो लाजमी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या करना है, मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए, यानी कालबों का इस्तेमाल करते हुए हमने क्रैमर के कानून से इस इक्वेशंस को, यानी लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशंस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको मैट्रिसेस में चेंज करते हैं, इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। मीन्स कि इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कालम इसके बना लेते हैं। तो कालम बनाने का जो ईजी मैथड है वो ये है कि आपने सबसे पहले एक्स वेरिएबल के जो अददी सर हैं, मींस कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन में जो एक्स आ रहे हैं इनके जो कोएफिशिएंट हैं, इनसे आपने मैट्रिक्स का पहला कॉलम बना लेना है। फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे इन लीनियर इक्वेशन में एक्स वेरिएबल के अददी सरों की मदद से, हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। और सेकेंड कॉलम इस वाई वेरिएबल के अददी सरों से बनाएंगे, मींस के कोफिशिएंट से बनाएंगे। ये -2 आ जाएगा, और साइन का खास क्या रखना है, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब इसी तरह जो वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहे हैं एक्स और वाई, इसको हम एक कॉलम में अलग से लिख लेंगे। और जो बराबर में वैल्यूज़ आ रही हैं 4 और 6, इसका एक सेपरेट कॉलम बना देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम नाम देंगे ए एक्स इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ए जो है वो किसके इक्वल है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया है, सेकंड मैट्रिक्स को हमने एक्स का नाम दिया है, और इक्वल वाली मैट्रिक्स को बी का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, ए लिखते हैं 2 - 2 = 3, 2। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और इस ए मैट्रिक्स को क्रैमर का कानून यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। तो क्रैमर के रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, इस ए को चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स को चेक किया जाता है कि क्या ये नादर है या गैर नादर। अगर ये हमारे पास सिंगुलर आ जाती है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये नॉन सिंगुलर आ गई तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो जिस तरह हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, आई होप कि आपको आता होगा। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, और ये साइन भी हम चेंज करके इस तरह से मॉड वैल्यू में लिखेंगे, मीन्स के डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे -2 और 2। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। वो किस तरह निकालते हैं, वतरीर कान का हाथ जरब, मीन्स के डायगनल एंट्रीज, डायगनल एंट्रीज हमारे पास क्या हैं 2, 2, और नॉन डायगनल कौन कौन सी है -2 और 3। तो क्या करेंगे हम, वतरीर कान को आपस में जरब करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस, ये डिटर्मिनेंट के मेथड में माइनस यूज़ करते हैं बीच में दोनों के, तो ये माइनस आएगा। और इसी तरह नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2, तो इनको सॉल्व करेंगे 2 - 2 = 4, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3 - 2 × 6, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर जी, ये नॉन सिंगुलर है, सो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्रैमर के कानून के मुताबिक एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें मज़ीद मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ए की मज़ीद 2 और मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, इसकी 2 मैट्रिक्स और बना लेते हैं। नंबर 1, एक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, मींस कि इस ए का जो फर्स्ट कॉलम है जो एक्स वैल्यू से बना है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बी कॉलम से,
यानी बी की वैल्यू से इस ए के फर्स्ट कॉलम को बी की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये हम इस 2, 3 के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, 4, 6 लिखेंगे, और सेकंड कॉलम को हम सेम लिखेंगे। और इसी तरह एक और मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, और इसमें हमने एक्स की वैल्यूज़ का रिप्लेस किया है, तो इसको हम आसानी के लिए ए एक्स राइट कर देते हैं, छोटा सा ही डाल देंगे इसके बिलो कॉर्नर के साथ। और इसी तरह इसको सेकंड कॉलम वाई की वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम ए वाई, थोड़ा इसमें अलहदगी हो जाए, दोनों मैट्रिक्स एक जैसी ना नज़र आएँ, तो हमने इसको एक्स का नाम दे दिया ए एक्स, और ये हमारे पास ए वाई एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके फर्स्ट जो ए का फर्स्ट कॉलम है इसको हमने लिखना है उसी तरह से, और जो सेकंड कॉलम है उसको हम क्या करेंगे, उसका नाम ए वाई रखते हैं, और इसमें वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको, मीन्स के सेकंड कॉलम को इस बी के साथ रिप्लेस करवा देते हैं, फर्स्ट कॉलम को सेम रहने देते हैं, फर्स्ट कॉलम ए का उसी तरह आ जाएगा, और सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे बी से रिप्लेस करवा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा, ये ए एक्स मैट्रिक्स। और ए जी, अब हमने क्या करना है, इस ए एक्स मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, मक्ता निकाल लेना है, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन ब्रैकेट को हटा देंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे इसके ऊपर, और इसको बिल्कुल इस रूल के मुताबिक, मीन्स के वतरीकान का हासिल ज़रब, डायगोनल एंट्रीज जो हैं 4 × 2, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, और माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज, मीन्स के गैर वतरीकान 6 को −2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस कर देंगे, 4 × 2 × 8 −−+, 6 × 2 × 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ये आ गया हमारे पास ए एक्स की मॉड वैल्यू, मीन्स कि ए एक्स डिटर्मिनेंट, और ए वाई डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी सेम यही रूल अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट का रूल अप्लाई करेंगे, 2, 4, 3, 6 डायगोनल एंट्रीज, 3 अरकान, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्या करते हैं, गैर 3 अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं, 6 × 2 × 12 और 4 × 3 × 12, दिस वन 0। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसे हम क्या कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देंगे इसको भी ए पे, तो क्या वैल्यूज़ निकली हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट की, 20, ए डिटर्मिनेंट की कितनी आ रही है हमारे पास, 10, 20 / 10, 2, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, और अब स्टूडेंट्स ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वाई हमारे पास 0 है और ए डिटर्मिनेंट कितना है, 10, तो 0 something 0, तो वाई हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। तो स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करना है, गिवन लीनियर इक्वेशंस की मैट्रिक्स बनानी है, क्या करना है जी, मैट्रिक्स बनानी है, कॉलम बनानी है, कैसे बनाएं जी, एक्स के अधिसरों से फर्स्ट कॉलम लिखेंगे और वाई के अधिसरों से सेकंड कॉलम लिखेंगे, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। इसी तरह एक्स और वाई को हम एक कॉलम मैट्रिक्स में राइट कर देंगे और जो बराबर में वैल्यूज़ हैं उनको बराबर में एक मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर देंगे, और इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए राइट कर देंगे और इस वाले को एक्स और इक्वल वाले को बी राइट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमने चेक करना होता है, ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 आता है तो उससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा,
मुमकिन ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसको हमने चेक किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, मींस के वतरी अरकान का हासिल ज़रब माइनस गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब। तो इन दोनों को ज़रब दिया, 2 × 2 × 4 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 × 6, इन दोनों को ऐड करने से 10। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसके लिए हमने क्रैमर का कानून इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्रैमर के कानून के लिए हमें मज़ीद 2 मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमने इस ए से जनरेट कर ली। वो कैसे जनरेट किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ए से मज़ीद 2 मैट्रिक्स हमने कैसे जनरेट करनी है, ये पॉइंट जो है बहुत ही अहम पॉइंट है। तो कैसे जनरेट करनी है, जो ए एक्स मैट्रिक्स हमने जिसको नाम दिया है ए एक्स का, आप डी वन जो मर्ज़ी रखें नाम से, ये थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हमने इसका ए एक्स नाम नोमिनेट कर दिया है। तो ए से हम ए एक्स कैसे जनरेट करते हैं, इस ए के फर्स्ट कॉलम को इस बी के साथ, इस बी की वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और सेकंड कॉलम को हम सेम रखते हैं। इसी तरह ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, इस ए के फर्स्ट कॉलम को सेम रखेंगे और बी का जो सेकंड कॉलम है इसका बी के साथ रिप्लेस कर देंगे। और फर्दर क्या करते हैं, इस ए एक्स और ए वाई का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, सेम रूल्स जो ए के ऊपर हमने अप्लाई किया है, डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का मल्टीपल, और उनको माइनस करके ये हम सॉल्व करते हैं 20 आ जाते हैं। और ऐसे ही इसी तरह इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं जो 0 आ चुका है। और इसका अब एक्स और वाई निकालने का जो कुलिया है ये आपने याद रखना है, तमाम क्वेश्चन इसी रूल के अकॉर्डिंग होने हैं, क्रैमर का कानून अगर हम यूज़ करें। तो एक्स के लिए क्या करते हैं, जो हमने